मंजीत, तुम शिप्रा मैडम को व्हीलचेयर पर बिठाओ, मैं तब तक रूम की चाबी ले लेता हूं। जी रमन भैया। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू होटल वेलफेयर। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ लाइट आती जाती रहती है। ओके, हमें आज रात के लिए एक स्वीट चाहिए। स्वीट रूम? इस होटल में स्वीट रूम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है होटल वेलफेयर में स्वीट रूम्स हैं। आप प्लीज चेक करिए। मैंने कहा ना सर आपसे, इस होटल में कोई स्वीट रूम नहीं है, आप कोई दूसरा रूम क्यों नहीं बुक कर लेते? ये मैप आपके होटल का? जी सर। मुझे लग रहा है कि ये रूम स्वीट रूम है, रूम नंबर 203। अरे हाँ, ये तो एक स्वीट रूम ही है। वो क्या है ना, मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। पता नहीं किसी ने मुझे इस रूम के बारे में बताया क्यों नहीं। कोई बात नहीं, हम यही रूम लेंगे। श्योर सर। आपके रूम की चाबी। एक मिनट से, इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ये सब काम बाद में होता रहेगा। एक्चुअली मेरी कजन शिप्रा बहुत बीमार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर सर। ओके, मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूँ। और हाँ, हमें 2 रूम और चाहिए होंगे। श्योर सर। ओके ओके। रमन भैया, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगी? क्या मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला? नहीं। तो फिर आज तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो क्या है ना कि सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए आपकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत, यहाँ हम तुम्हारे इलाज के लिए तो आए। देखना, यहाँ का डॉक्टर तुम्हें 2 दिन में ठीक कर देगा। ओके? यही होना चाहिए कहीं तुम्हारा रूम। हाँ, लो आ गया तुम्हारा कमरा। लगता है गलत रूम की चाबी दे दी है। मैं सही चाबी लेके आता हूँ। यू वेट। ओके। Thank you.
क्या हुआ चित्रा? अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपके होटल में जिम तो है ना? जी नहीं। अरे यार अब मेरा क्या होगा? देखिए आप जल्दी से इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए, मुझे 10 बजे से पहले यहाँ से जाना है। ऐसा क्या होता है इस होटल में? ताले लग जाते हैं, उसके बाद ना तो कोई इस होटल के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, समझे? आपके कहने का मतलब ये है कि इस होटल के स्टाफ का एक मेंबर तक नहीं रहेगा यहाँ? जी नहीं। कमाल है यार, ये होटल है या हॉस्टल? अगर 11 बजे के बाद मेरा डिस्को जाने का मूड करे तो अपने कमरे में ही नाच लेना, लेकिन अपने कमरे से निकलने की गलती मत करना वरना पछताओगे। सॉरी मैम, हमारे पास स्वीट रूम की दूसरी चाबी नहीं है, आपको यही रूम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं कह रही हूँ रूम नंबर 203 में कोई है। मैंने आवाजें सुनी है, कोई था वहां पे? कोई नहीं था, तुम वहां पर अकेली थी ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये डरावने ख्याल उठ रहे हैं। भैया प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, चलो सो जाओ तुम अभी, ठीक है? चलो लाइ डाउन, आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। एक जग था ये भी गया। रिसेप्शन पे फोन करता हूँ, कोई तो होगा वहां। जल्दी फोन उठा लिया? अबे काम चोरी की भी कोई हद होती है, तुम्हें यहाँ पैसे सोने के मिलते हैं या काम करने के? चल एक जग पानी का भेज मेरे रूम में। मिलेगा। इतनी देर कर दी, कुआं खोद के पानी लेके आए हो तुम? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? मुझे मत मारो। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। हेलो रिसेप्शन,
ओके ओके। होटल देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पे आत्माएं होगी। राघव, अगर यहाँ पे आत्माएं नहीं होती तो दुर्जन हमें यहाँ क्यों भेजता? अपनी यामिनी कितनी स्मार्ट हो गई ना। थैंक यू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें 3 कमरे चाहिए। 3 कमरे? ठीक। आप इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ए हर्ष, मैं लिखता हूँ ना। नाइस हैंडराइटिंग ना। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। थैंक यू। मैडम, मिस्टर मंजीत ने अपना कमरा चेंज किया है क्या? वो अपने रूम में नहीं है। एक मिनट। मिस्टर मंजीत ने होटल से चेकआउट कर लिया है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? ये साइन पहचानते हैं आप? साइन तो मंजीत का ही है, लेकिन वो मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकता। अब ये तो आप उनसे ही पूछिए। मैडम, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? देखिए, सब सच सच बताइए कि मंजीत कहाँ है, वरना हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब आपका दोस्त आपको नहीं मिल रहा, इसमें हमारी क्या गलती? मुझे तो कल रात से इस होटल में गड़बड़ नजर आ रही है। पहले आपने कहा कि यहाँ स्वीट रूम है ही, उसके बाद उस रूम में चाबी नहीं लग रही थी, जबकि उस रूम में पहले से कोई था, 203 में। ये सब आपका वहम है। ओ, और जो शिप्रा के व्हील चेयर को कॉरिडोर में किसी ने धक्का दिया, वो भी कोई वहम है? और अब तो आपने हद ही कर दी। आप ये कह रही कि मंजीत आधी रात को ऐसे चेकआउट करके चला गया है? हेलो, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी गेस्ट इस होटल में ऊंची आवाज में बात करे। देखिए, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मंजीत कहां है। रजिस्टर में लिखा है ना, चेकआउट कर गया। चेकआउट नहीं किया उसने, आप लोगों ने गायब किया उसे। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हैव अ गुड डे। देखा, आते ही गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि मंजीत को किसी आत्मा ने गायब किया। हाँ, मुझे तो ये मैनेजर ही ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लगता है जैसे ये कोई राज छुपा रहा है। मोंटी, मोंटी, ये तो मोंटी की बाइक, वो कहाँ गायब? डर गया? डरपोक कहीं का। अबे मोंटी, तू कब सुधरेगा यार? ये हंसना बंद कर और मेरी बात सुन। सुना? ये होटल रात को 10 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद ना कोई बाहर जाता और ना ही कोई अंदर आता है। और वही करेक्ट टाइम रहेगा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, समझा? तो फिर तू आज देख कैसे मोंटी 10 बजे के बाद होटल जाएगा और शिप्रा को गहरी नींद सुला के आएगा। ऐसी गहरी नींद सुलाना कि वो फिर कभी जाग ही न सके, और उसके बाद उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाएगी, मेरी। हर्ष, क्या हुआ? ये तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इस कमरे के बारे में सोच रहा था। इस कमरे के बारे में? ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस कमरे की तरह है, जिसमें लोग आते तो जरूर है पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। हर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी तुम्हारी आंखों में झलकती है।
मुझे तो लगता है तुम्हें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए। शादी शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, और फिर ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या पता तुम्हारे आसपास ही हो और बस तुम ही नहीं देख पा रहे। वाह 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 वा। क्या फ्रेमिंग है यार। अगर इसकी फोटो निकाल लेता ना, इस साल का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड राघव को मिलता। अवार्ड तो तुम्हें दुर्जन देगा जब तुम अपने इस कैमरे में इस आत्मा की फोटो उतारोगे। आत्मा? 10 बज गए, आत्मा के उठने का टाइम हो गया। चल जाके गुड मॉर्निंग बोल के आते। हम यहां से कब जा रहे हैं? अब मैं और यहां नहीं रह सकती। क्या हुआ, यहां कोई परेशानी है तुम्हें? यहां का माहौल कितना अजीब है, हर तरफ बस मनहूसियत ही छाई है। लगता है तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। बस एक बार तुम्हारे पैरों का इलाज हो जाए उसके बाद हम घर चले जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि इस बार तुम घर इस व्हीलचेयर पे नहीं बल्कि अपने पैरों पे चल के जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब आप जल्दी से मुझे उस डॉक्टर से मिलवा दीजिए, फिर देखना मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात, चलो अब ये दवाई खा लो। चलो रात अब बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। भैया लाइट्स मत ऑफ करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अरे तुम कोई बच्ची हो क्या? कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओगी। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सो जाओ बहना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। मुझे मरवाएगा, बोल रहा था कि 10 बजे के बाद होटल में कोई नहीं रहता। लगता है ये सो रहा है। जाके वो मुझे किसी से मिलना है। किससे? मुझसे मतलब किससे मिलना है? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी तू करता क्या है होटल में? तुझे सोने की पगार मिलती है ना, तो चुपचाप खर्राटे मार, समझा? नहीं तो जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। तू तो वहां पे था, तू यहां कैसे आ गया? तू वैसे नहीं मानेगा। Thank you.
रिकॉर्डिंग शुरू करो। वो आत्मा यहीं कहीं हो सकती, शायद वो हमारे कैमरे में दिख जाए। यहां से कुछ घसीटने की आवाज आ रही, चलो। ये आवाज यहीं से आ रही थी ना? हाँ, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लगता है वो आत्मा इतनी आसानी से नहीं दिखने वाली। Thank you.
यहाँ तो कोई भी नहीं। होटल की दूसरी तरफ जाकर देखे क्या? आवाज वहां से आ रही है। चलो शिप्रा भैया खून भैया उसने खून किया भैया उसने खून किया। खून किसने? वो इसी होटल का आदमी था। वो ना लाश यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहा था। नहीं शिप्रा, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। नहीं भैया, मेरा कोई वहम नहीं है। कह रही हूँ ना, मैंने देखा। और उसने ना होटल के स्टाफ के कपड़े पहने हुए थे। हाँ शिप्रा, पर होटल का सारा स्टाफ तो 10 बजे के बाद निकल जाता है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ, उसे देखा, मेरा यकीन करो। और हाँ, उसका उसका चेहरा और चेहरे से खून बह रहा था। शिप्रा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और आप लोग सब प्लीज एक्सक्यूज अस। शादी उसी आत्मा के बारे में बात कर रही है जिस वजह से दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप उस आदमी को जानती है जो उसे घसीट के लेके गया था? नहीं। अरे आप लोग अभी तक यही खड़े हैं? मैंने आपसे कहा ना बाहर जाइए। प्लीज चलो, कम ऑन मूव। चलो कहीं ये मोंटी की बात तो नहीं कर रही है? मतलब मोंटी मारा क्या? ये शिप्रा के भाई को एकदम से क्या हो गया था? कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? शायद वो जानता कि वो लाश किसकी है। सिर्फ लाश के बारे में या आत्मा के बारे में? ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर शिप्रा ने आत्मा को देखा है तो फिर वो तो आसमान ने उसको जिंदा कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि वो आत्मा सबको नहीं मारती, सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना शिकार बनाती। अब शायद वो आत्मा में दिखने नहीं वाली। तो फिर क्या करें? सो जाए क्या? अरे यार, जब देखो सोना चाहता। चल चुपचाप। सो जाते हैं, कल रात को फिर से कोशिश करते हैं उस आत्मा को ढूंढने की। चलो मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूं भैया, मुझे इस होटल में नहीं रहना है, कहीं और चलते हैं। अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे शिप्रा? भैया यहाँ पर पहले दिन से ही सब गड़बड़ है, हादसों पर हादसे हो रहे। सबसे पहले तो मुझ पर हमला हुआ, फिर मंजीत का गायब होना, और अब ये लाश। इतना मत सोचो शिप्रा, तुम एक काम करो,
ये नींद की दवाई ले लो और सो जाओ। मुझे कोई दवाई नहीं खानी है भैया। शिप्रा, एक बार तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे नहीं करवाना है इलाज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी भैया। आप कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए भैया, प्लीज। चलो एक काम करते हैं, आज रात तुम यहाँ सो जाओ, फिर कल देखते हैं कि क्या करना है। ओके, लो ये दवाई ले लो। जा रहे हम रमन भैया? बाहर चलते हैं खुली हवा में। कमरे में बैठे बैठे तुम्हारा दम नहीं घुटता है क्या? दम तो घुटता है ना, क्या करूं, चल नहीं सकते, इसलिए कमरे की चार दीवारी को ही अपनी दुनिया बना ली है। अगर मैं शिप्रा को यहां से गिरा दूं तो वो हमेशा के लिए ऊपर चली जाएगी। सबको लगेगा कि एक हादसा है और मेरा काम भी हो जाएगा। आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ, कल रात के बारे में। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने इस होटल के किसी आदमी को देखा था लाश ले जाते हुए? हाँ, मैंने देखा था। पर मैम, हम इस होटल के सारे स्टाफ वालों से मिल चुके हैं, उनमें से तो कोई भी घायल या जख्मी नहीं है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि रात को 10 बजे के बाद उनमें से तो कोई होटल में था भी नहीं। अच्छा, फिर तो कोई और ही होगा। लेकिन उसने स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। लेकिन इस होटल में से तो कोई भी गायब नहीं है, तो फिर वो लाश किसकी हो सकती? क्या और कुछ याद है आपको? और वो आदमी उस लाश को घसीट रहा था, उसके बाद वो कमरा नंबर 203 के सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे मुड़कर देखा भी। रूम नंबर 203? हाँ, वो रूम मुझे पहले दिन से ही गड़बड़ लग रहा है। हमने वही रूम बुक किया था, लेकिन होटल वाले वो रूम ओपन ही नहीं कर पाए। वो आदमी उसी रूम में गया होगा। ये लीजिए आपकी चाबियां, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिक्र मत करो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी। ये रहा। ये स्विचबोर्ड का है। ये लाइट्स काम नहीं कर रही। ये पर्दे भी नहीं खुल रहे।
ऐसा लगता है जैसे काफी समय से यहां पर कोई भी नहीं आया है। ये क्या है? ये क्या है? ये तो एक यूनिफॉर्म है। वेलफेयर होटल? ये तो इसी होटल की यूनिफॉर्म है। होटल की यूनिफॉर्म? शिप्रा ने कहा था कि उसने किसी होटल स्टाफ को लाश घसीटते हुए देखा था। हाँ हर्ष, और देखो इस पे तो खून लगा हुआ है। चलो और ढूंढते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। की हिम्मत कैसे हुई होटल के दूसरे कमरों में ताक झांक करने की? हमें आपके होटल में एक लाश मिली है और इस लाश को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें किसी आत्मा का हाथ है। अगर आपने हमें इस आत्मा के राज के बारे में नहीं बताया तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आज से ठीक 20 साल पहले हमारे होटल में मधुकर नाम का एक लड़का काम करता था। नाइट ड्यूटी रहती थी उसकी। रात 10 बजे के बाद उसे कमरा नंबर 203 से बड़ा ही लगाव था, क्योंकि वही एक स्वीट रूम था हमारी होटल का, और जब भी वो खाली होता था वहां चला जाता आराम करने के लिए। उस मनहूस रात को भी ऐसा ही हुआ। वो सोने चला गया उस कमरे में कि तब किसी कस्टमर ने रिसेप्शन पर फोन किया। वो कस्टमर पुलिस से भागा हुआ एक खतरनाक मुजरिम था। जब किसी ने रिसेप्शन पर फोन नहीं उठाया तो उससे मैं नीचे आ गया मधुकर को ढूंढता हुआ। ए, उठ! कब से रूम सर्विस में फोन कर रहा हूं, तू यहां घोड़े बेचकर सो रहा है? चलट! माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, थोड़ी सी आंख लग गई थी। गलती? गलती की एक ही सजा है, मौत। मतलब वो आत्मा मधुकर की थी और वो अभी भी इस होटल में नाइट ड्यूटी करता है? हाँ, तभी तो पूरा स्टाफ चला जाता है 10 बजने से पहले। लेकिन ये मधुकर सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मारता है, सबको क्यों नहीं? यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मधुकर की आत्मा को बेहद करीब से देखा है पर मधुकर ने उन्हें छुआ तक नहीं। हो सकता है कि मधुकर सिर्फ मुजरिमों को मारता हो, क्योंकि उसकी मौत भी तो जेल से भागे हुए मुजरिम ने की थी ना। 10 बजने को है, मैं चला, मधुकर किसी भी वक्त आ सकता है।
हेलो, क्या 205 में एक वेज सैंडविच मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैफो, आत्मा तो अच्छा चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी मंगवाई है, तुम जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। नहीं भैया, वो आप खा लीजिए, मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। व्हाट, तुमने खाना मंगवा लिया है? कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ और साथ में खाना खाएंगे। अगर जल्दी हमने रमन और शिप्रा को चेतावनी नहीं दी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके हमें होटल खाली करवा देना चाहिए, इससे पहले कि और लोगों की जान चली जाए। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, पता नहीं ये मधुकर का अगला निशान अब कौन होगा। शिप्रा, वाकई इस होटल में एक आत्मा है, इसलिए भूल कर भी तुम 10 बजे के बाद रिसेप्शन में फोन मत करना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने तो रिसेप्शन पे अभी कॉल किया। क्या? Oh no! वो आ रहा है।
शिप्रा। मैं तुम्हें मारना चाहता था, उसी से मेरी मौत हो गई। नहीं भैया, ये भैया क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिप्रा, तुम्हें मारकर तुम्हारी करोड़ों की जायदाद का मालिक बनना चाहता था। नहीं, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, भैया कुछ नहीं होगा आपको। भैया मधुकर की आत्मा के साथ जो भी बुरा बर्ताव करता है या जो भी उसे डांटता है वो उनको मार देता है। इसलिए मधुकर की आत्मा ने तुम्हारे भाई को मार दिया। नहीं। क्योंकि रमन ने उससे खरी खोटी सुनाई थी। भैया। चलो शिप्रा, हमें यहां से जाना होगा। चल सकती हूँ। जब भी इंसान किसी बहुत गहरे सदमे या दुख से गुजरता है तो एक पल के लिए उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, और वही ताकत इंसान को मजबूत बना देती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। चलो क्या आप लोग जा रहे हैं? जी, मधुकर के खून करने के राज के बारे में हमें पता चल चुका है। क्या मतलब? कल रात हमने मधुकर की आत्मा को देखा था। आत्मा को देखा, फिर भी बच गए? हाँ, क्योंकि मधुकर की आत्मा हर किसी की जान नहीं लेती, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की जान लेती है जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो। इसीलिए आज से आपके होटल में आने वाले हर कस्टमर से कह देना कि वो भूल कर भी नाइट सर्विस करने वाले मधुकर के साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना करें।